नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल क्रिकेट जर्नी की। सो गाइस, आज हम बात करने वाले हैं वेस्ट इंडीज वर्सेज न्यूजीलैंड का सेकंड ओडीआई मैच के बारे में। पहले ओडीआई में क्या हुआ, पहले ओडीआई में जो होना था वो हुआ, वेस्ट इंडीज ने न्यूजीलैंड को बुरी तरह से हरा दिया। अब की बार वेस्ट इंडीज जो है काफी टाइम से हारती हुई आ रही है, फाइनली उन्होंने अपना यहाँ पर अपना एक पहली जीत दर्ज कर दी। T20 में तो भाई न्यूजीलैंड जीत की थी, पर यहाँ पर ओडीआई जो है शुरुआत हुई है वेस्ट इंडीज के जीत के साथ। सेकंड मुकाबले में क्या होगा, वेस्ट इंडीज जीतेगी हाँ या ना, जाने के लिए वीडियो को एंड तक देखते रहिए। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले सभी से छोटी सी रिक्वेस्ट है, आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा पहले चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए। सो गाइस, चलिए बढ़ते हैं अपने टॉपिक की ओर। तो सबसे पहले तो बात कर लेते हैं यहाँ पर वेन्यू की। ये मुकाबला होने वाला है 19 अगस्त फ्राइडे 2022 शाम को 11:30 बजे, रात को 11 बजे होगा, 11:30 बजे इंडियन टाइम अनुसार किंगटन ओवल में होएगा। ये जो है पिच होने वाली है किंगटन ओवल ले। और अगर बात करें वेन्यू की यहाँ पर पिच का क्या स्टेटस है, पिच की क्या रिपोर्ट है, यहाँ पर अभी तक टोटल 42 मैचेस खेले जा चुके हैं इस वाली पिच के ऊपर, और टोटल यहाँ पर 18 मैचेस जीते जा चुके हैं पहली बैटिंग करने वाली टीम ने, और सेकंड बैटिंग करने वाली टीम ने 24 मैचेस जीते हैं। यानी कि साफ साफ यहाँ पर हम लोगों को नजर आ रहा है सेकंड बैटिंग करने में थोड़ा सा यहाँ पर फायदा रहेगा, यानी कि जो टॉस जीतती है टीम तो पहले बॉलिंग लेना फायदे में है। जो बात करें एवरेज इनिंग स्कोर, यहाँ पर 251 का एवरेज स्कोर है, 235 टारगेट चेजिंग स्कोर है, 270 यहाँ पर टारगेट डिफेंडिंग स्कोर है। यानी कि जो 235 तक अगर जो रन बनते हैं तो टारगेट चेज हो सकता है, लेकिन 270 से ऊपर रन बन जाते हैं तो टारगेट डिफेंड होना कंफर्म है 100%। एवरेज इनिंग स्कोर तो यहाँ 250 का, यानी कि हम लोगों को टारगेट जो है अगर 250 तक भी रन बन जाते तो भी यहाँ पर टारगेट चेज हो सकते हैं, लेकिन 260 से ऊपर भाई टारगेट डिफेंड हो जाएगा। अगर जो बात करें दोनों ही टीम परफॉर्मेंस की इस वाली पिच के ऊपर, दोनों ही टीम की क्या परफॉर्मेंस रही है, अभी तक यहाँ पर वेस्ट इंडीज ने 37 मैचेस खेले हैं जिसमें से 17 बार वेस्ट इंडीज ने अपने नाम जीत करी है। और यहाँ बात करें न्यूजीलैंड की, न्यूजीलैंड ने 2 मुकाबले खेले हैं, दोनों के दोनों हारे हैं। यानी कि मैं कहूँगा साफ साफ टीम परफॉर्मेंस के मामले पिच का जो फायदा उठाने वाली है वेस्ट इंडीज बहुत ही अच्छे से उठाने वाली है, क्योंकि भाई 37 बार खेले चुकी है तो उनको थोड़ा सा यहाँ पर फायदा होने वाला, होम ग्राउंड का भाई देखो ज़्यादातर टीम को फायदा ही होता है, इसीलिए पिछला मुकाबला जो है वेस्ट इंडीज ने जीता था क्योंकि उन्होंने होम ग्राउंड को पूरा फायदा उठाया। बात करें दोनों ही टीम की प्लेइंग 11 की, दोनों ही टीम की प्लेइंग 11 कैसे होने वाली है, वेस्ट इंडीज़ की प्लेइंग 11 कुछ इस तरह से होने वाली है। यहाँ पर वेस्ट इंडीज़ की प्लेइंग 11 में ज़्यादा चेंजेस नहीं है, कुछ भी चेंज नहीं है, क्योंकि भाई पहला मुकाबला जीता तो चेंजेस की क्या जरूरत है। बात करें गेंदबाजी और बल्लेबाजी की, बल्लेबाजी को देखो मैं अब भी कहूँगा बल्लेबाजी में बिल्कुल भी उतना ज़्यादा दम तो है नहीं कि भाई कह सके कि हाँ भाई बहुत ही अच्छे बल्लेबाज हैं, पर कुछ बल्लेबाजों ने काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस करी, तो यानी कि हम कह सकते हैं बल्लेबाजी में थोड़ी सी इंप्रूवमेंट हम लोगों को देखते हुए नजर आ रही है, थोड़े बहुत इंप्रूवमेंट आ रही है यहाँ पर वेस्ट इंडीज की टीम में। बात करेगा जो बॉलिंग की, तो बॉलिंग भाई देखो उन्होंने बहुत ही अच्छी करी थी, बॉलिंग के दम पर ये मैच जीत पाए हैं, यानी कि बॉलिंग जो है इनकी बहुत ही अच्छी हुई थी पिछले मैच में। सो सिंपल भाषा में कहूँगा कि गेंदबाजी जो है बहुत तगड़ी है, बल्लेबाजी थोड़ी सी फीकी है। बात करें वेस्ट न्यूजीलैंड की, न्यूजीलैंड की भी भाई प्लेइंग 11 काफ़ी अच्छी है, यहाँ पर पहला मैच हार गई, इसका मतलब ये नहीं कि भाई प्लेइंग 11 वगैरह बेकार है, बैटिंग और बॉलिंग इनकी एक बैलेंसिंग है बहुत ही अच्छी है, बैटिंग और बॉलिंग दोनों ही टीम की इस वाली टीम की बहुत ही अच्छी होने वाली है। तो सिंपल भाषा में मैं यही कहूँगा न्यूजीलैंड की टीम एक परफेक्ट प्लेइंग 11 के मामले में है। बात करें लास्ट है मुकाबलों की, लास्ट है मुकाबलों में दोनों ही टीम का क्या परफॉर्मेंस रहा है, वेस्ट इंडीज ने पिछले 6 में से एक ही मुकाबला अपने नाम करा जो कि पिछला मुकाबला था, और 276 का जो है इनका बैटिंग एवरेज स्कोर है, 5.50 का बॉलिंग एवरेज स्कोर है, यानी कि बैटिंग और बॉलिंग एवरेज स्कोर इनका एक ठीक ठाक मैनेज मतलब ठीक ठाक तरीके से है। न्यूजीलैंड का बात करें 5 मुकाबले जीते हैं, 283 का बैटिंग एवरेज स्कोर है, भाई 5 मुकाबले जीते हैं 283 का बैटिंग एवरेज स्कोर मुझे उतना खास नहीं नजर आ रहा। बॉलिंग एवरेज स्कोर एक बारी को ठीक है 5.46 वो ठीक कह सकते हैं, पर बैटिंग में मुझे उतना दम नजर नहीं आ रहा। बात करें फाइनल रिजल्ट की, भाई फाइनल रिजल्ट क्या बनता है, कौन सी टीम ये मुकाबला लेकर के जा सकती है, मैंने से पूछो अगर जो प्लेइंग 11 में यहाँ पर जो विन परसेंटेज बनती है वो क्या बनती है, यहाँ पर 55% जाती है न्यूजीलैंड को, 45 जाती है वेस्ट इंडीज़ को। ऐसा क्यों, क्योंकि भाई वेस्ट इंडीज़ के पास थोड़े से एडवांटेज सिर्फ टीम परफॉर्मेंस की है, प्लेइंग 11 के मामले में तो अभी भी भाई न्यूजीलैंड की टीम जो है थोड़ी सी दमदार टीम है, इसलिए मैं कहूँगा कि ये जो मुकाबला जीतने वाली है फाइनल जो हमारी प्रिडिक्शन होने वाली है वो होने वाली है न्यूजीलैंड, क्योंकि न्यूजीलैंड मुझे लगता है भाई ये मुकाबला आपकी बार लेकर के जाने वाली है। अगर जो आप लोग रिस्क लेना चाहते हैं तो वेस्ट इंडीज़ के साथ जा सकते हैं, बाकी हमारी तरफ से न्यूजीलैंड कन्फर्म है। अगर जो आप लोग मैच को और डिटेल में जानना चाहते हैं हमें व्हाट्सएप पर कॉन्टैक्ट करिए, हमारे इंस्टाग्राम को फॉलो करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, वंदे मातरम एंड गुड बाय।